मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश को लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें अति वर्षा से निर्मित स्थिति और बचाव के लिए जारी निर्देशों की समीक्षा की। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां तुरंत कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारी और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं लेने के निर्देश दिए। सीएम यादव ने कहा कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि बारिश के चलते जनजीवन सामान्य रहे और समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव कार्य किए जाएं। निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों और पुलों पर पानी है वहां तुरंत सावधानी और सतर्कता बढ़ाई जाए। सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज्यादा हो रही है और खास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है, इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है, उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे इसकी पूरी सावधानी रखे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।